छेड़छाड़ का विरोध करने पर खूनी संघर्ष में लड़की के पिता की मौत। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के ग्राम महेशपुरा में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद हुए खूनी संघर्ष में पीड़ित लड़की के पिता की मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर शांत किया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बाकी फरार अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। बेटी सुरक्षा के मामले में कड़ी कार्यवाही के बाद भी कुछ लोग छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के महेशपुरा गांव में रहने वाले किसान की 14 साल की बेटी को गांव के ही दबंग किसान राजवीर के बेटे राहुल ने छेड़ दिया। इसकी शिकायत किसान की बेटी ने अपने पिता से की, जिस पर पिता हरिओम राजवीर से शिकायत करने गए। बस इसी बात को लेकर विवाद बढ़ते गए। विवाद बढ़ते बढ़ते खूनी संघर्ष में बदल गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल हरिओम को अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने दबंगों से हमसाज होकर पीड़ित पक्ष की कोई मदद नहीं की। वहीं किसान की मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव करना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अमित आनंद ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। मेरे कुसम महेशपुर भीला। अच्छा, क्या हुआ कल शाम आपके साथ? जय सांझ ऐसा हुआ, मेरी लड़की को नाने लगा रहे थे जो लोग जी। मैंने बूझी, जब तुझे ऐसा पता ही तो तू मेरी लड़की को उस लौंडे को मेरे साथ लेके आती, मेरे धोरे में बूती उससे। तो इसने बोली कि तू क्या बूझेगी, मैंने देख लिया था। तो मैंने तेने पूरे गाँव में क्यों कर दी, मुझसे तो कह सकती तू। इतने में ही लठ ले लेकर सब तने आए, सबने सीने फोड़ दिए। कौन कौन आए लठ लेके? धर्मपाल, अमर सिंह, अमर सिंह के लौड़ा दोनों, धर्मपाल के लौड़ा दोनों, जे 6-7 जने है, जे 3 नहीं भैया है। उनके नाम बताना। पुलिस पहुंची थी मौके पर? पुलिस पहुंची ही, पुलिस उनके लंकी कह रही, मेरे लंकी का उन्हें ना कही दे। क्या कहना था पुलिस का? पुलिस जो कह रही के पुलिस वाले कह रहा है यहाँ क्या करने आए हो, पहले मारकूट करते हो, गलती तुम्हारी है इसमें। उन लोगों ने पैसा भर दिए एकदम आके यहाँ, और सवेरे सवेरे गए तो ये दिमागी साहब वो पकड़ के परे कह रहे तुझे बताऊंगा ते तो पर लठ पड़ेगा, तब तुझे जेल भेजूंगा, तेने कराई है रे। अच्छा, सुबह झगड़े में किसकी मृत्यु हुई है? सवेरे हरिओम की भैया, मेरे पति की रे। हाँ, ये लैटरिन करने जा रहे, मुझे ना पता ही, दुश्मन मोड़े पे ठाड़े तक रहे हैं ना, मैं लैटरिन को ना। पुलिस ने किसी गिरफ्तार करी इसमें? कोई किसी को ना करा था है, ठीक है। हाँ, बाल जी धर्मपाल, अमर सिंह और राजवीर और शर्मा और एसपी, हाँ ये 5-6 लोग थे, इन्होंने मारा सुबह के बाद में। और हाँ, यहाँ घर मारे थाने में मारा है सर, हमें 3 भाइयों को मारा है, तीनों दोनों भैया को और एक भतीजे को, एक भतीजे को मारा है। मृत्यु मेरे भाई की हुई है, छोटे की हरिओम की। किसके मारने से हुई है? इनके ही मारने से हुई है साहब, धर्मपाल, अमर सिंह और एसवीर और राजवीर। मृत्यु तो अस्पताल में हुई है साहब। क्या चाहते हो आप साहब? दंड को दंड मिलना चाहिए, और क्या सजा मिलनी चाहिए? हमने तो आज तक कोई ऐसा आज तक तो कोई काम नहीं किया, ना कोई FIR में नाम है हमारा आज तक। ये साहब कल फोड़ा था हमें 4-5 बजे, कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई नहीं करा, नहीं कोई इंक्वायरी की साहब हमारी, हमें ही पिटाया। हम आपके हमने अपनी तरफ से 3 भैया हैं, तीनों पिटे हुए थे जी, हमें ही लाई थी सुबह भी। अब मैं भाई को छोटे वाले को और मेरा भतीजा लेके आए हम वहाँ के टाइम अस्पताल के टाइम, वहाँ से हमें बुला कर यहाँ थाने बंद कर दिया, बोले पकड़ो भोसड़ी वालों को, बंद करो अंदर। तब हमको पैर धर धर के मारे हमको साहब, नाम तो मैं नहीं जानता मगर शकल से बता सकता हूँ, नवाब सिंह है। नवाब सिंह, नवाब सिंह सर जी, बहुत मारा है हमें। जिन पुलिस कर्मियों ने आपको मारा है, हाँ, उन दबंगों को गिरफ्तार नहीं किया है पुलिस ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहोगे? पुलिस कर्मियों ने जिन्हें मारा है जो गरीब होनी चाहिए साहब, हम तो पढ़े लिखे ना, मतलब जो कुछ कह सके, हम न्याय होना चाहिए हमारे साथ में, सजा को सजा मिलनी चाहिए। सब हंगामा हो रहा है,
क्या पूरा मामला है, मृत्यु हुई है इसकी, क्या है पूरा? ये महेशपुर डीला गांव पड़ता है, थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्रांगत। इसमें कल दो पक्षों में वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें आज सुबह फिर वापस इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लाठी से इसमें एक व्यक्ति को चोट भी लगी, हरि ओम, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें थाने पे अब तक चार लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इसमें जो अन्य लोग भी जो बताए जा रहे हैं इस घटनाक्रम में, उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। इसमें परिवारजनों और जो मौके पे साक्षी थे, सभी से बात करके कार्रवाई की जा रही है। सर, इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने हमें ही मारा है और हमें मारा है। इसमें जो जिन पे इन्होंने आरोप लगाए हैं, इनमें से चार लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, क्योंकि कल दोनों ही तरफ से आपस में झगड़ा हुआ था, दोनों की तरफ से मुकदमा किया गया था, तो उसमें विधि के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद फिर सुबह इनके बीच में झगड़ा हुआ है और उसमें ये ऐसी घटना घटित हुई है। इसके बाद लगातार पुलिस अरेस्टिंग के लिए प्रयासरत है। जो बचे हुए हैं चार लोगों को एलईडी हिरासत में ले लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है।